देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दोस्तों, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। इस युवा वर्कफोर्स को कौशल प्रशिक्षण देकर फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सकता है। कौशल न सिर्फ रोजगार और स्वरोजगार का अवसर देता है, बल्कि एक आत्मविश्वास भी देता है, आपको जोश और जज्बे से भर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यही कोशिश है कि युवा हुनरमंद होकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। देश का हर युवा स्किल इंडिया मिशन से जुड़कर कुशल और सक्षम बने, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की गाइडेंस में एनएसडीसी के जरिए डेवलप किए गए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्किल इंडिया डिजिटल ऐप की शुरुआत की गई है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे लॉन्च किया। स्किल इंडिया डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत के कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता क्षेत्र में तालमेल बिठाना और बदलाव लाना है। डिजिटल इंडिया को सार्थक करते हुए आज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ एंटायर स्किल इकोसिस्टम, पॉलिसी इंचार्ज ऑफ एंटायर स्किल इकोसिस्टम के नाते एक अनोखा चीज आज सामने लाया है। स्किल फॉर ऑल, स्किल एनी टाइम, स्किल एनी होया, मैंने रात को व्यक्ति सोते हुए अभी चाहेगा ये स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल को खोलेगा और उसमें से दो नया स्किल सीख के सोएगा। ये प्लेटफॉर्म उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और करियर को एक मकाम दिलाने में कारगर साबित होगा जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड फ्यूचर रेडी स्किल कोर्सेज, रोजगार के अवसर और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट से बेहतर अवसर और उज्जवल भविष्य चाहते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स, टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजन टारगेटिंग द यूथ ऑफ आर कंट्री। स्किल इंडिया ऑन वन हैंड एंड डिजिटल इंडिया ऑन द अदर हैंड, बोथ दीज आर पावरफुल visionary schemes built by our Prime Minister with a sole focus of transforming the capabilities of our young Indians and creating within them the ability to pursue the many opportunities that our growing economy is creating. हाल ही में आयोजित G20 देशों की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्किल इंडिया डिजिटल ऐप की शुरुआत की गई है, जिससे देश भर के युवा घर बैठे कुशल बनकर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। दिस पब्लिक इन्वेस्टमेंट विल पोजीशन स्किलिंग as a competitive advantage in our ambition to attain developed nation status by 2047. There is a very high penetration of mobiles and high speed internet, and there is a good opportunity for us to use digital platforms for quantum improvement in access, relevance and quality of skilling. The Skill India Digital would be able to offer continuously learning opportunities in the form of reskilling and upskilling, and of course it is also allows for the digital skilling as well. Skill India digital platform par kai tarah ke courses vibhinn bhartiya bhashaon mein uplabdh hain. Skill India mission ke तहत skilling, upskilling, reskilling aur apprenticeship opportunities ki suvidhaon ke sath ye platform skill ecosystem ke liye ek one stop solution ki tarah kaam karega. युवाओं को कंपनियों में मौजूद रोजगार और अप्रेंटिसशिप अवसरों के बारे में पता चलेगा, वहीं एम्प्लॉयर को यहां से अपने लिए स्किल्ड युवाओं को ढूंढने में आसानी होगी। लेटेस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के कारण
ये एक रेस्पॉन्सिव एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है और इसका रिकमेंडेशन इंजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके कैंडिडेट को सही कोर्सेज, जॉब अपॉर्चुनिटी और अप्रेंटिसशिप का सुझाव देता है और प्रत्येक लर्नर को उसके कोर्स के अनुसार मॉड्यूल, क्विज और असाइनमेंट भी देता है। जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता भी करता है। The Skill India Digital can act as a bridge of skilling with education and world of work. On the one side, it is linked with education, and whether it is the Swayam Diksha or ISKA by way of Common Student Registry, Academic Bank of Credit Digital Locker. The other side, it is about the world of work with the ECS, NCS and other such job portals. And the skilling part, so it allows for a bridge between skilling with education and world of work. Skill India DigiLocker से जुड़े होने के कारण आपकी सहमति से आपके डॉक्यूमेंट्स को Skill India Digital से जोड़ता है और QR कोड आधारित एक डिजिटल CV भी तैयार करता है, जिसे युवा आवश्यकता अनुसार कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। Skill India Digital को भारत की विभिन्न पहलों जैसे ई श्रम और आधार आदि से भी जोड़ा गया है। देश भर के स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, ITIs, पॉलिटेक्निक, निस्पर जैसे संस्थानों के बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस भी इस पर मौजूद है। किसी गांव में बैठे शिक्षक या ट्रेनर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे सकेंगे। स्किल इंडिया मैप देश भर में फैले स्किल सेंटर्स, वहाँ पर चल रहे कोर्सेज, उस क्षेत्र में स्थित कंपनियों में अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर की सटीक जानकारी देता है। इस मैप नेविगेशन फीचर का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचा जा सकता है। 13 कंपनियों के सहयोग से हमने इसको बनाया सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं NIC टीम का, जिन्होंने हमको हर समय सहयोग प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे MOU पार्टनर्स का, जिन्होंने आके अपने कोर्सेज को स्किल इंडिया डिजिटल पर लाने की बात शुरुआत करी है और यहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत होगी कि सारी संस्थाएँ आके इस पर अपने कोर्सेज को पोस्ट करेंगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी NSDC टीम को, जिन्होंने दिन रात लग के इसके ऊपर काम किया। भारत ने बड़ी तेजी से मोबाइल और इंटरनेट के क्षेत्र में तरक्की की है। हमारे युवा स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल आज खूब कर रहे हैं। युवा इसी तरक्की का लाभ उठाकर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाइफ लॉन्ग लर्निंग और करियर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।